हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं द इंटरनेशनल भिखारी रोस्ट, पाकिस्तानी बेगर्स ठग लाइव रोस्ट, पाकिस्तानी फनी रोस्ट। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। जल्दी शुरू करते हैं। हजार का नोट राजा मजार कुवारा चौक से मुझे मिला है। इस्लाम में ये जायज है कि आप 3 दफा आवाज लगाओगे। ये नोट किसी का है? ये नोट किसका है? ये नोट किसका है? ये नोट अपना हो गया। पाकिस्तान के जज्बे वाली कौन जो पैसों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है? कोई अपने हिसाब से मजहबी नियम कानून बनाता फिर रहा है, तो कोई कटोरा लेकर दरबदर भीख मांगता फिर रहा है। और अगर इस बीच इन्हें कोई रोकना चाहे तो हमें पंजाब पुलिस और हुकूमत की कोई परवाह नहीं है। आप एक भिखारी को पकड़ेंगे और घर से भिखारी निकलेगा। यही तो देखने को मिल रहा है। आज पाकिस्तान के घर घर से भिखारी निकल रहा है। पाकिस्तान की कुल आबादी है लगभग 25 करोड़ और पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या कितनी है? आप यही नहीं करेंगे जो फिगर है कि पाकिस्तान के अंदर कितने बेगर्स हैं? जो मेरे पास जो फिगर है इट्स अनबिलीवेबल, नियरली 20 मिलियन। मतलब 25 करोड़ के मुल्क में 2 करोड़ तो केवल भिखारी है, और ये संख्या इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि आने वाले 20-25 सालों में पाकिस्तान भिखारिस्तान नाम से जाना जाने लगेगा। और इसका असर देखने को भी मिल रहा है। पिछले साल पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या थी 2 करोड़, और आज एक साल बाद कितनी है? 24 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस मुल्क पाकिस्तान में 3 करोड़ भिखारी हैं। 12% मर्द, 55% खवातीन, 27% बच्चे और 6% सफेद पोश और मजबूर अफराद शामिल हैं। इसका बराबर याद रखते हो? मतलब एक साल में सीधे 1 करोड़ भिखारियों की बढ़ोतरी। लोग भीख मांगने को लेकर इतने सीरियस हो चुके हैं कि कोर्ट कचहरी तक के चक्कर लगा रहे हैं। ये मुझे भीख नहीं मांगने थे, भिखारन हक मांगने अदालत पहुँच गए। ये सिलसिला यही नहीं रुकता। हम पाकिस्तानी तो भीख मांगने का हक पाने को बल्कि पाकिस्तानी भिखारी तक खुद एक दूसरे के खिलाफ। कराची के भिखारी खातून भीख मांगने की जगह छीनने पर दीगर भिखारियों के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए अदालत पहुंच गई। तो क्यों हो रहा है? मतलब पाकिस्तानी अदालतें भी अब भिखारियों के केस सुलझाने तक रह गई है। कभी एक भिखारी दूसरे भिखारी के खिलाफ कोर्ट पहुंच जाता है, तो कभी कोई भीख मांगने का हक मांगने। और ये बंदे भीख मांगने को लेकर इतने सीरियस क्यों है? क्योंकि इस प्रोफेशन में पोलियो की कमाई। मुल्तान में भिखारी ने 1 करोड़ की बीमा पॉलिसी ले ली। मतलब जितना हम पाकिस्तानी नहीं कमा पा रहे उससे कहीं ज्यादा तो भिखारी कमा रहे हैं। और इन भिखारियों की कमाई का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि अगर कोई भिखारी भीख मांगते मांगते बेहोश होकर गिर भी पड़े तो सरगोधा के खुशाब रोड पर बेहोश भिखारी की जेब से 5,34,000 रुपए निकल आए। जैसे ही ये खबर पाकिस्तानी रिपोर्टर्स को पता चली, अगले ही दिन पाकिस्तानी रिपोर्टर्स जी, आज मैं और मायदा एक सिग्नल पर जाएंगे और हम अलामती तौर पर भीख मांगेंगे। अरे बंदे भीख मांगने सड़कों पर पहुंच भी गए, और इनकी कुछ घंटों की कमाई कितनी हुई? ये देखे, मुझे 1,000 रुपया मिले। ज्यादातर पोल की भीख मांगने को अपना प्रोफेशन मुल्क के अंदर भीख मांग रहा है, तो कोई मुल्क के बाहर। इन पोलियो के कारनामों को आप ऐसे समझ लो, बाहर लोग जाते हैं कुछ बनने के लिए, पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए। लेकिन अबे तू कहाँ चला रहा है? पहले तू साइड में हट। भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे हैं, मतलब हर जगह मुल्क की बेइज्जती करनी है। भाई पाकिस्तानी भिखारियों के बारे में मैं क्या ही बोलूं? बंदों ने पूरे विश्व पर कब्जा किया हुआ है। जब भी किसी देश में भिखारी पकड़े जाते हैं ज्यादातर किस मुल्क के निकलते हैं? बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। और दोनों भी मलेशिया में भिखारी पकड़े गए। मलेशिया ज्यादातर भिखारियों का मलेशिया में बैगर्स पकड़े गए 80 के करीब, उनमें से 77 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। बस इतने ही? ये तो बहुत कम। मतलब 80 में 77 तो केवल पाकिस्तानी भिखारी थे। अब भाई अब खुद
खुद अंदाजा लगा सकते हो इन फौजियों ने दूसरे देशों पर किस कदर कब्जा किया हुआ है। लेकिन फौजियों को इस बात का मलाल नहीं कि उनके मुल्क के लोग दूसरे देशों में भीख मांगते पकड़े जाते हैं, बल्कि उन्हें दुख किस बात का है कि आखिर वो पकड़े कैसे जाते हैं। तो भाई ये भिखारी तो सारे के सारी दुनिया से इधर उधर मूव कर रहे होते हैं आजकल, तो ये भी एक बड़ा मनफेद बख्श कारोबार बन चुका है। लेकिन ये हमारे पाकिस्तानी पकड़े कैसे जाते हैं ये जरा बताइएगा। अबे साले भीख मांगते हुए कुछ भी बोलो भाई, ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तानी हर देश में भिखारी हैं। कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जिन्होंने दूसरे देशों में अपना लोहा मनवाया है। वो न सिर्फ दूसरे देशों में जमकर धंधा कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तानियों से कहीं बेहतर जिंदगी भी जी रहे हैं। आपका नाम क्या है? लाइबा। लाइबा मुझे ये बताएं आप मलेशिया में रहते? जी। तो पहले ये बताएं मलेशिया में आपके पास क्या क्या है? दो फ्लैट्स हैं, कार है और अपना बिजनेस भी है। इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांगकर। हालत ये हो गई है कि क्या आवाम क्या नेता कोई भी बंदा बिना भीख मांगे सर्वाइव नहीं कर सकता। जो नेता कल तक इंडिया को धमकी देते फिरते थे, अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ देखा मैं अपनी गन और अपनी गोलियों के साथ इस सरहद को पार करूंगा। और तक आज मुल्क की कंगाली में जिस दिन से मुझे 40 दिन के चिल्ले पर लेकर चले गए उस दिन से मैंने दोपहर की रोटी नहीं खाई और दोपहर को चूल्हा नहीं जला। एक टाइम मेरा चूल्हा जलता है और 1,00,000 रुपया मेरा गैस का बिल है। फटे लेकिन बकचोदी ना हटे। बंदे अपने ही मुल्क में अच्छी तरह रगड़े जाते हैं, आधा चावल रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पूरे मुल्क का दिवालिया हुआ पड़ा है, फिर भी इन भिखमंगों की बकचोदी। कश्मीर हमारा मुल्क है और हमें लेना चाहिए। मुंह में ले ले मेरा। माल। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। My God, इनके लिए तो प्रोफेशन सच्ची में हो गया भीख मांगना। और खाली पाकिस्तान में नहीं दूसरे देशों मलेशिया का हाल। बस ये न्यूज़ नहीं आई कि भीख मांगने के ट्रेनिंग स्कूल्स बन गए हैं, कोचिंग सेंटर्स भीख मांगने वाले। अब वहीं के शुरू पाकिस्तान में शुरू आएंगे। बिल्कुल हमारे पास डिग्री है जी भीख मांगने की। नहीं वो सर्टिफाइड है भिखारी। वो कितना मजेदार था कि वो चले गए कोर्ट के अंदर कि मेरी जगह है जहाँ मैं मेरा एरिया ये इसका एरिया मेरे एरिया में मेरे एरिया जहाँ मैं भीख मांगती हूँ वहाँ पे उस वो आ गया खड़े होने के लिए और उसके लिए कोर्ट चले गए हैं। विवाह इंस्टीट्यूट बनाएंगे भिखारी वाले। और वो जो कैसे मेकअप करना है कैसे करना किया कैसे तो था उस लड़की ने वो मेकअप करके देखा था कैसे अपनी शक्ल को डार्क कलर करके वो भीख मांगने गई थी। भीख लेनी है कहाँ ट्रांसफर करना है पैसा। वो जर्नलिस्ट जो थे जो इतनी खुश हो रही थी कि मेरे को 1 घंटे का 1,000 वो तो जर्नलिज्म छोड़ के भिखारी बने। वो बड़ी खुश हो रही थी नहीं और इन्होंने तो ये काउंट करने ही भूल गए। इन्होंने तो दूसरे भिखारी काउंट किए। इन्होंने ये जो रिएक्शन चैनल्स खोल के इंडिया से भीख मांग रहे व्यूज की उनको भी तो भिखारी मानो, उनको भी काउंट करो। और बढ़ेंगे अमेजिंग है भैया। कमाल है कमाल है। इन्होंने अभी सऊदी अरब पे दिखाया मगर वहां पर भी बड़े भरे। मैं तो मलेशिया देख के शॉक में रह गई थी। हम लोग मलेशिया का कोई 20 साल पहले गए थे कितना नीट एंड क्लीन साफ अच्छा होता था। अभी जो इलाका उन्होंने दिखाया उसको देख के ऐसे लग रहा था ये मतलब बुरा हाल कर रहे हैं जहाँ जा रहे हैं वहीं गंदगी और वो मतलब अच्छे अच्छे देशों का भी इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। पर क्या रोस्ट किया इन भिखारियों को, मजा ही आ गया। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।